हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ हेमा। हेमास किचन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको कच्चे मावे से बनी आइसक्रीम बनाना सिखाऊंगी। इतनी मजेदार आइसक्रीम जो आप एक बार खाएंगे तो आपको बार बार खाने की इच्छा होगी। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। दोस्तों, हमने ये 1.25 किलो दूध लिया है। दूध को हमने अच्छी तरह से उबालना है। उबालने के बाद थोड़ा सा दूध उसमें से निकाल के ये हमने बाहर रखा है, ये ठंडा हो जाए। ठंडा होने के बाद हम इसमें 7 चम्मच कस्टर्ड पाउडर डालेंगे। कस्टर्ड पाउडर इसको हम अच्छी तरह से मिलाएंगे ताकि इसमें गुठलियाँ नहीं पड़े। गुठलियाँ पड़ेंगी तो आपकी आइसक्रीम ख़राब हो जाएगी। इसको अच्छी तरह से मिलाना है, बिल्कुल एक ही क्वांटिटी में। दोस्तों, ये 1/2 किलो मावा लिया है हमने, जो इसको चूरा करके रखा हुआ है। अब इसको हम गरम दूध में डालेंगे। और दोस्तों, हमने इसको गैस को धीमी आंच पे करके रखा है। अब इसमें मावा डाल दिया है हमने। अब इसको धीरे धीरे मिलाना है ताकि मावा इसमें अच्छी तरह से घुल जाए पूरी तरह से। और नीचे हमने जो दूध में कस्टर्ड पाउडर डाला था उसको भी हमने अच्छी तरह से मिलाया है। देखो, आपको एक भी गुठली नहीं दिखाई देगी इसमें। और दोस्तों, इसमें है ना शक्कर आप अपने हिसाब से डालना। जैसे आपको ज्यादा मीठा अच्छा लगे तो मीठा, जिसको ठीक ठीक अच्छा लगता है तो ठीक तरह से डालना, ठीक है। दोस्तों, हमने जो इसमें दूध में मावा डाला था ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब इसमें ये किशमिश हमने लिए, ये डालेंगे, ठीक है। अब इसको मिलाते रहेंगे, मावा अच्छी तरह से घुल जाए। फिर ये जो कस्टर्ड पाउडर है ये डालेंगे बाद में, अभी मावा अच्छी तरह से घुला नहीं है। हेलो दोस्तों, इसमें मावा अब अच्छी तरह से घुल गया है। इसमें हमने किशमिश डाली है, चाहे तो आप इसमें ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं साथ में, ठीक है। अब ये जो कस्टर्ड पाउडर हमने बना के रखा था ठंडे दूध में, वो धीरे धीरे इसमें डालना है और गैस को बंद कर देना है। बिल्कुल धीमी आंच। दोस्तों, हमने इसको धीमी आंच पे घुमा रहे हैं, गैस बंद नहीं करना है, इसको धीमी आंच पे घुमाना है। हेलो दोस्तों, हमने ये आइसक्रीम जो बनाई थी ना उसको हमने सांचे में डाल दिया है और हमने ये चेरी मंगवाई है। अब ये चेरी इसके अंदर डालेंगे थोड़ी, और थोड़ी ऊपर से इसकी सजावट के लिए डालेंगे, ठीक है। फिर ये ठंडी हो जाएगी ना, फिर उसको फ्रिज में रख देंगे डाल के। हेलो दोस्तों, देखो ये सजावट के बाद ऐसी दिख रही है हमारी आइसक्रीम, बनकर तैयार हो गई है। अब इसको हम फ्रिज में रखेंगे, ठीक है। अब दोस्तों, इसको फ्रिज में रख देंगे। जब ये जम के अच्छी तरह तैयार हो जाएगी, आपको लगे आइसक्रीम बन गई है, तो इसको निकाल के और इसके ऊपर शरबत ये सब डाल के खाएंगे तो बहुत अच्छी। दोस्तों, आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी? अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलें, ताकि आप हमारे आगे आने वाले वीडियो आसानी से देख सकें। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।